अजीब, ये जो पोस्ट ट्रैक्स पर ऐसी जगह से की गई जहां पर त्रासदी आई हुई है, बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई है, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, न जाने कितने लोग अब भी लापता हैं। आधी रात को राहुल गांधी ने ऐसा पोस्ट किया है वहां से, जो कि सुर्खियों में बना हुआ है और उस पर लगातार कल से ही चर्चा हो रही है, तरह तरह की बातें की जा रही हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए विपनेश, ज़्यादातर बातें वरिष्ठ सहयोगी हमारे संजीव जी ने बताई दी, लेकिन मूल बात है कि राहुल गांधी ने वायनाड में रहते हुए बृहस्पतिवार की रात 1:52 पर अगर ट्वीट करते कि ईडी उनके घर छापेमारी कर सकती है, चाय बिस्किट के साथ वो स्वागत करेंगे, और इम्पोर्टेंट बात है कि डायरेक्टर ईडी को टैग भी करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? अगर आप देखें तो ये उसी तरह की बात है जैसे अरविंद केजरीवाल पहले अपने नेताओं की गिरफ्तारी की आशंका जताते थे और बाद में अपने गिरफ्तारी की आशंका जताने लगे। आम आदमी पार्टी के नेता, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इन सारे नेताओं ने पहले ये आशंका जाहिर की कि इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा या इनके घर छापेमारी होगी, केजरीवाल ने की। लेकिन इसमें अंतर बुनियादी ये है कि अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी की बात करते थे, राहुल गांधी छापेमारी तक रुक गए और उन्होंने कहीं गिरफ्तारी का जिक्र नहीं किया है, और उन्होंने कहा कि उनका भाषण चक्रव्यूह वाला पसंद नहीं आया, इसलिए छापेमारी ईडी की हो सकती है। जहां तक बात है कि गिरफ्तार वो एलओपी है, कैबिनेट रैंक है उनके पास, संवैधानिक पद पर है, तो उनको कौन गिरफ्तार करेगा? तो ये फिजूल की बातें इसलिए है कि इसी देश में जनता द्वारा निर्वाचित दो मुख्यमंत्रियों को लोकसभा चुनाव के पहले ईडी ने गिरफ्तार किया है। एक को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, दूसरा अभी तक जेल में है, और उन्हें हाईकोर्ट उन्हें ईडी के मामले में बेल भी मिल चुकी है, लेकिन उन्हें ईडी के मामले में बेल मिलने के बाद वो जेल से बाहर आ जाएं, इससे पहले ही उनको जेल में ही सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, अभी वो मामला कोर्ट में। और जहां तक दूसरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात है, ईडी ने जो केस उनके ऊपर जनवरी के लास्ट में लगाया था जिसमें वो गिरफ्तार किए गए थे, 5 महीना वो जेल में रहे, और जून के अंतिम सप्ताह में उनको जब हाईकोर्ट ने बेल दी तो उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस हेमंत सोरेन पर बनता ही नहीं है, उनको जमानत मिल गई, नियमित जमानत मिल गई, और कोर्ट का सीधे ये कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस के ये प्राइमा फेसी दोषी नहीं है, प्रथम दृष्टया इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग में दोषी नहीं है। ईडी सुप्रीम कोर्ट भी आती है, सुप्रीम कोर्ट भी यही बात कहकर के कहती है कि वो फैसला हाईकोर्ट का बिल्कुल सही था। तो एक निर्वाचित मुख्यमंत्री 5 महीने जेल में रह सकता है, तो एलएपी ईडी कार्रवाई उनके खिलाफ क्यों नहीं कर सकती? और दूसरी बात, राहुल गांधी को 2 साल पहले ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में लंबी पूछताछ की थी, और पूछताछ की थी उसमें गिरफ्तारी तो तब भी नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई। तो ये बात कहने का मकसद, जबकि संसद का सत्र चल रहा है और आप एलओपी हैं, विपक्ष के नेता हैं, आप संसद में भी ये बात कह सकते थे। उनके पार्टी के जो एमपी है टैगोर, उन्होंने फ्राइडे को सेंट्रल एजेंसीज के मिसयूज पर उन्होंने नोटिस भी दिया है, तो ये बातें वहाँ भी हो सकती हैं। लेकिन ये बात राहुल गांधी ने रात के 2 बजे वायनाड में क्यों कही, ये एक बड़ा सवाल है। बीजेपी की तरफ से लोगों ने कहा कि वायनाड में जिस तरह का हादसा हुआ है वहाँ से डाइवर्ट करने के लिए राहुल गांधी ने, लेकिन ये भी बात सही है कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में वायनाड जाने वालों में भी राहुल प्रियंका ही सबसे पहले है। तो कुल मिला के मुझे ऐसा ही ये लगता है कि ईडी और सीबीआई का जो केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला और संविधान बचाने के नाम पे जो आवाज़ उठाने वाली बात, उसको कुचलने की बात, ये सब इसलिए किया जा रहा है कि इस सेशन के बाद देश के तमाम हिस्सों में चुनाव है, और फिर वही नैरेटिव जो लोकसभा में लेकर के गए थे वो विधानसभा चुनाव में भी विपक्ष ले जाने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, ऋतु चौधरी जी, राहुल गांधी के इस पोस्ट के बाद, इस बयान के बाद वो कह रहे हैं कि जल्द ही ईडी उनके घर पर रेड कर सकती है। अब इसका सबूत पूछा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, आधार पूछा जा रहा है, किस अधिकारी ने उनको कॉल करके इनपुट दिया है, क्योंकि बीजेपी इसको झूठ बता रही है कि सदन के अंदर भी राहुल गांधी झूठ बोलते हैं और बाहर भी झूठ बोलते हैं। और अगर इसका कोई आधार नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो क्या